कृष्ण ने मनुष्य को लेकर कई उपदेश दिए हैं, उसी में से भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ उपदेश आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मित्रों, आज हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा रहे, उसके जीवन में दुख कभी ना आए। लेकिन जब कोई कष्ट या दुख उसे घेर लेता है तो वह विचलित हो जाता है और सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम बताए गए हैं जिसका पालन करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। उसी में से एक नियम यह बताया गया है कि कुछ कर्म हमें कभी भी नग्न अवस्था में नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें निवस्त्र होकर कभी नहीं करने चाहिए। ना नहाए। मित्रों, विष्णु पुराण के अनुसार आपको कभी भी पूरी तरह से निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना जल देवता का अपमान माना गया है। इसलिए जब भी आप स्नान करें तो आपके शरीर पर एक वस्त्र होना ही चाहिए। दूसरा, निवस्त्र होकर ना सोएं। मित्रों, बहुत सारे लोग निवस्त्र होकर सोना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको ऐसे सोने में आराम मिलता है। लेकिन अगर हम विष्णु पुराण की माने तो निवस्त्र होकर कभी भी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से चंद्र देवता रुष्ट हो जाते हैं। इससे जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि रात्रि में निवस्त्र होकर सोने से आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों के हावी होने की संभावना बढ़ जाती है। मित्रों, इसके अलावा ऐसे कई कार्य हैं जिनको निवस्त्र होकर नहीं करना चाहिए। जैसे पूजा पाठ के दौरान बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोजाना निवस्त्र होकर देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। यह सत्य है कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में पूजा या फिर यज्ञ के दौरान बिना सिले हुए वस्त्र धारण करने की बात कही गई है, किंतु गलत तरीके से निवस्त्र होकर पूजा अर्चना करने से आपको शुभ नहीं अशुभ फल मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिलाई को सांसारिक बंधन का प्रतीक माना जाता है। इसलिए मित्रों, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अपनी इस आदत में सुधार करिए, क्योंकि ऐसा करते रहना आपके लिए अहितकारी हो सकता है। आशा करता हूँ कि हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी।